अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बनाना करीम डेज़र्ट, इसे आप बनाना पाई भी कह सकते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। एक पैक इसमें हमें चाहिए मैरी बिस्किट का, आप कोई से बिस्किट ले सकते हैं। 3 से 4 बनानास, 150 ग्राम व्हिपिंग क्रीम, 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर, 2 टेबलस्पून हमें शुगर चाहिए, 2 टेबलस्पून चाहिए हमें वनीला कस्टर्ड पाउडर और 2 टेबलस्पून बटर, मिल्क चाहिए हमें 1 ग्लास। पहले हम बिस्किट का ग्राइंड कर लेंगे, ग्राइंडर में हम इसको चूरा बना लेंगे। हम फिर मेल्टेड बटर ऐड कर देंगे, इसे मिक्स करें। अब हम एक लूज बॉटम मोल्ड लेंगे और जो चूरा था बिस्किट का जिसमें मैंने बटर ऐड किया था, इसको हम इसमें सेट कर देंगे। हमने इसको इस तरह सेट करना है कि ये इस तरह करके इस मोल्ड के किनारे पर भी आए बिस्किट। ये देखिए, इस तरह से चम्मच से इसको इवन कर दें प्रेस करके। ये देखिए, ये सेट हो गया है। अब थोड़ा सा गर्म पानी लें और उसमें 1 टेबलस्पून जेलेटिन को हल करें। उसमें सॉस पैन लें, उसमें मिल्क ऐड करें और उसमें शुगर ऐड करके इसे बॉईल करें। अब एक छोटे से बाउल में वनीला कस्टर्ड डालें और उसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसको मिक्स कर लें। इसका पेस्ट बना लें इस तरह से। इसको अब इस दूध में ऐड कर दें, इसको मिक्स करें और पकाएं इसको थोड़ी देर। ये पक गया है, देखें हमें इतना गाढ़ा चाहिए ये। इसको अब चूल्हे से नीचे उतार लें। अब इसमें जेलेटिन ऐड कर दें और उसे मिक्स कर लें। अब मोल्ड में जो मैंने बिस्किट सेट किए थे वो सेट हो चुके हैं। अब ये देखिए, ये कटोरी नुमा सा बन गया है। अब इसमें हम कस्टर्ड ऐड कर देंगे, इसमें कस्टर्ड डाल दें इसमें सारा। इसको अब सेट होने के लिए फ्रिज में रख दें। अब एक बाउल लें, उसमें थोड़ी सी बर्फ़ डालें और जो मैंने आपको व्हिपिंग क्रीम बताई थी उसको एक बाउल में डाल के व्हिप करना शुरू करें। इस बाउल को बर्फ़ के बाउल के ऊपर रखना है। अब इसमें आइसिंग शुगर ऐड कर दें और दोबारा व्हिप करें। ये हमारी क्रीम व्हिप हो चुकी है। तो चलिए अब कस्टर्ड की तरफ चलते हैं, वो हमारा सेट हो चुका है। अब हम एक ग्लास रखेंगे, उस ग्लास के ऊपर ये मोल्ड रखेंगे और हम इसे पुश करके नीचे की तरफ ऊपर से हम इसको निकाल लेंगे। अब बनाना के स्लाइसेस करके वो उसके ऊपर लगा दें सारे। इस तरह से देखें, ये मैंने लगा दिए सारे। जो मैंने क्रीम व्हिप की थी अब वो उसके ऊपर डाल दीजिए इस तरह से और चम्मच से इसको स्प्रेड कर दें इस तरह। अब क्रीम के ऊपर फिर बनाना के स्लाइसेस लगा दें और ऊपर से बिस्किट का चूरा स्प्रिंकल कर दें। तो चलिए मैं आप इसे कट करके बताती हूँ। ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।